हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुरकुरी मछली फ्राई। मैंने यहाँ पे पॉम्फ्रेट मछली का इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह पे कोई भी दूसरी मछली लेकर इसी तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम पॉम्फ्रेट्स लिए है। ये हर एक पॉम्फ्रेट 200 ग्राम का है और इसको मैंने अच्छी तरह से अंदर बाहर क्लीन करके 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है। दूसरी तरफ हम मसाला पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच बिल्कुल भरकर लाल मिर्च का पाउडर, ये मीडियम स्पाइसी मिर्चें हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और बहुत फीकी भी नहीं। 1 चम्मच काटकर ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक हम ऐड कर लेंगे मछली के हिसाब से। 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। विनेगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के आसपास ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसके जगह पे नींबू का रस भी ऐड किया जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर लेंगे ताकि ये सूखा सा ना रहे और इसका एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। इससे मछली पर अप्लाई करने के लिए आसानी होगी। तो ये तैयार हो गया है। अब सारे मसाले को हम ऐड कर लेंगे मछली के ऊपर। एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि मछली धोने के बाद आपने उसका पूरा पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है और फिर आप मसाला लगाएं, वरना मसाला जो है वो निकलकर नीचे पानी में तैरने लगेगा। मछली के ऊपर, अंदर उसके कट्स में और अंदर की तरफ बहुत अच्छे से आपने मसाले को अप्लाई कर लेना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो हर एक पीस के ऊपर, उसके कट्स के अंदर अच्छे से मैंने मसाला लगा लिया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से मछली को मसाला लगाकर फ्रीजर में रख सकते हैं और 1-2 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ऊपर फ्रीजर में रखना है। ये देखिए, मसाला लगकर तैयार है। इसको मैंने 1/2 घंटे के लिए साइड में छोड़ दिया था और फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ऊपर की कोटिंग को क्रिस्पी करने के लिए, मछली को कुरकुरी करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप बेसन और 1/2 कप चावल का आटा लिया है। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके जगह पर जो बारीक वाली सूजी होती है वो ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया था ताकि फीकी सी ना लगे कोटिंग। और फिर यहाँ पर मैं मछली के ऊपर इसको इस तरह से लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दबाते हुए आपने नहीं लगाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ऊपर की जो कोटिंग है आटे की वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और हम वो नहीं चाहते। बस इसको अलट पलट के मछली को उसके ऊपर कोट कर लें, जैसे मैंने किया है। बस इसी तरह से आपने कर लेना है। और फिर एक्स्ट्रा जो फ्लावर है उसको थोड़ा सा आपने झटक लेना है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गई है, ये देखिए। इसको फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। आँच भी मीडियम ही रखी है मैंने और मीडियम फ्लेम पर इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद धीरे से आपने इसको पलट लेना है। ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है और कोटिंग उसके ऊपर थोड़ी सी अच्छे से लग गई है और फॉर्म बैठ गई है। ये देखिए, हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ऊपर से ये ऑलरेडी कुरकुरी सी हो गई है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो चावल का आटा और बेसन लगाया था उससे ये बहुत अच्छे से कोट हो गया है। कम से कम इसको दोनों तरफ से मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह कुक किया था मीडियम करके फ्लेम को। सिर्फ एक ही बार आपने पलटना है और ये तैयार हो गई है। टोटल 10 मिनट लगा है मुझे इसको दोनों तरफ मिलाकर सेकने के लिए। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी ये। आप इसको कोकोनट चटनी के साथ या हम पुदीने की चटनी के साथ रेलिश कर सकते हैं। ये खाने में ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है दाल राइस के साथ। बहुत ही अमेजिंग फिश स्टार्टर रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज है और फेसबुक ग्रुप, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।